सब्सक्राइब करें एक्यूटेक हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक्यूटेक हिंदी चैनल में आप सबका वेलकम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट में वाटरमार्क कैसे ऐड करते हैं, अपना लोगो कैसे ऐड करते हैं पावर पॉइंट में, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको पावर पॉइंट ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक न्यू स्लाइड ब्लैंक ले लेना है। उसके बाद राइट क्लिक करें स्लाइड के ऊपर, यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट वाला ऑप्शन फॉर्मेट बैकग्राउंड, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें पिक्चर और टेक्स्ट फिल, इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर और एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट फ्रॉम, यहाँ पर जो फाइल वाला है इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना लोगो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ एक्यूटेक हिंदी। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा लोगो ऐड हो गया है। अब आपको इसको थोड़ा इसकी सेटिंग्स करके बताता हूँ। यहाँ पर देखें इसको आपको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा पेज में सेट कर लेना है। जैसे कि मैं अब इसको आपको पेज में सेट करके बताऊँगा, फिर ऊपर से भी थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर से भी कर लेता हूँ थोड़ा। ओके ओके, अब आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको लोगो देखेंगे आपने वाटरमार्क में। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी, उसको मैं यहाँ पर 75% तक कर देता हूँ। ओके, 75% तक कर दिया। उसके बाद अप्लाई टू ऑल के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी सिलेक्ट हैं आपके पूरे सिलेक्ट को ये आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, फिर से इसको क्लोज के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड आपकी जो भी स्लाइड्स है यहाँ पर वाटरमार्क ऐड हो गया है पावर पॉइंट में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। एक्यूटेक हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह वीडियो लेकर आता हूँ।